ये देखो दोस्तों, हमारा घर उन पेड़ों से भी, आपने देखा होगा उन पेड़ों से भी ऊपर है। और हमारे घर से अभी एक मुर्गी उड़ के आई है, ये देखो। ये मुर्गी सीधे उड़ के आई नीचे को, और यहाँ इसने बकरियाँ मेरे को देखा तो ये रुक गई यहाँ पे। उन्हें नीचे को पता नहीं कहाँ तक जाती, इसको शायद किसी जानवर हमने ने डराया, ऊपर कोई आया था। और हमारे कुत्ते पहचानते हैं हमारी मुर्गी है, तो वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वरना अभी तक ये इसको पकड़ लेते, जंगली मुर्गी होती तो ये। अब इसको घर छोड़ के आना पड़ेगा। घर हमारा वो देखो दोस्तों, वो टिन शेड दिख रहा है, उसके ऊपर है हमारा घर। तो ऐसे सीधे उड़ते हुए आई, ये देखो। अला ले 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 गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हम निकल चुके हैं अपने डेली रूटीन पे, और अभी घर से नीचे उतार ही रहे हैं दोस्तों। अभी आप देख रहे हो, अभी धूप यहाँ अभी निकल पाती है और लेट आती है, जिसकी वजह से लेट खोले जाते हैं। और आजकल घर के आसपास ही हैं तो थोड़ा सा लेट भी चलता है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, माइकल अपनी पोजीशन पे, ये अपना जिमी, और बाकी एक दो बकरी ये हैं। कुछ बकरियां यहाँ आपको झाड़ियों के अंदर दिखेंगी, कुछ इधर हैं और कुछ इस साइड हैं, आपको घास हिलती हुई नज़र आएगी। तो अभी सारी झाड़ियों के अंदर गई हैं, तो इनके साथ झाड़ियों के अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों आजकल ये देखो ये है, ये भी चिपकते हैं ये, फिर ये निकालते निकालते इन्हें लग जाता टाइम। और ये भी है, ये भी चिपकता है, और फिर ये रुई जैसा इससे भी निकालने में लगता है टाइम। तो आजकल यहाँ पे चिपकने वाली घास भी एक दो महीने ज़्यादा रहती है। तीसरी ये है दोस्तों, ये अभी पूरी गिर चुकी है, इसकी भी जो ये बाल जैसे हैं ये चिपचिपे होते हैं दोस्तों। ये देखो, ये भी बहुत चिपकते हैं कपड़ों पर, और ये देखो ये चिपचिपापन इतना रहता है इस पर। तो टाइम सारा इन्हीं को निकालने में लग जाता है, इसलिए इससे थोड़ा सा बच के रहते हैं। ये देखो दोस्तों, ये देखो कुछ यहाँ गई हैं, उसने देखो सर में चिपका भी दी हैं ये वो देखो ताज लगा दिया उसने सर में। और कुछ वहाँ झाड़ियों के अंदर, वो वहाँ पर हैं उस जगह पे, उस जगह पे देखना वो ये। और कुछ ये खड़े होके खा रही हैं, ये देखो, ये तो बहुत ऊपर ऊपर उछल के खाता है, ये देखो। उसके साथ ही बकरियाँ वहाँ खड़ी हैं, और वो देखो वहाँ अपने साथ ही बकरियाँ, कम से कम 5-6 फीट ऊपर का खाता है वो, ये देखो। नीचे आपको दिख रही होंगी जहाँ पर बकरियाँ खड़ी हैं, और वो देखो कितनी ऊपर है गया है। तो दोस्तों बने रहें, ये नीचे को इसलिए करते हैं दोस्तों, हमारे इधर जो नीचे वाला एरिया है, इधर इधर लेपर्ड बहुत रहता है, और अक्सर ये जंगली जानवरों को नीचे बारहसिंगा, काखड़, और आपका बोलते हैं जंगली सुअर हो गया, काखड़ हो गया, बारहसिंगी हो गए, और तेंदुआ, और जो भी जंगली जानवर होते हैं वो नीचे के एरिया में बहुत हैं। और यहाँ से जब हमारी छत में से कुत्ते नीचे को देखते हैं, तो इन्हें सुबह सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे उन नीचे एरियों में जंगली जानवर दिखते हैं, इसलिए जब भी ये यहाँ आएंगे आपको दिखेगा। कल भी आपने देखा होगा ये उस जगह पे से भौंक रहा था, और अभी भी देखो इस जगह पर आ गए हैं। तो इनकी नज़रें देखना, इनकी नज़रें नीचे की साइड को ही रहती हैं, इनकी नज़रें नीचे की साइड को ही रहती हैं, देखो ये देखो, क्योंकि इन्हें पता है जंगली जानवर नीचे ही मिलता है। और आजकल यहाँ पे दो शियार आ रखे हैं भेड़िए, और वो बकरियों को तो अभी तक उन्होंने कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया, परंतु तो बकरियों के आसपास ही मिलने हैं बहुत बार, तो इसलिए भी हमारे जो छोटे मेमने हैं वो अभी मैंने फ़िलहाल घर पे ही रखे हैं, क्योंकि कुत्ते हैं ये इधर उधर भाग जाते हैं, किसी को देखा तो उसके पीछे, तो वो दो आ रहे हैं, एक के पीछे भाग गए तो दूसरा फिर बकरियों के आसपास ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है।
और वो बहुत शातिर होते हैं दोस्तों, वो भागते भागते छिप जाते हैं और कुत्ते कहीं मीटरों आगे चले जाते हैं उनसे भागते हुए, उन्हें ढूंढते हुए। तो अभी एक छुटकू तो आ रखा है, ये दूसरा छुटकू नहीं दिख रहा है, वो शायद घर चले गया वापस। आ जा, ये देखो ये भी मुंह पर लगा लाया, इधर आ, तेरे मुंह से निकालूंगा, इधर आ, आ जा आ जा आ जा, इधर दिखा दिए, देख ये देखो दोस्तों, ये देखो ये इतना निकाल दिया फिर भी पूरा प्रॉपर नहीं निकलता। ये देखो इसका, देखो ये पूरे इस पर यही चीज़ें भरी पड़ी हैं। ये देखो ये पूरे बालों के गुच्छे, तो ये भी पूरा फुल, इतने बड़े बाल हैं इसके, परंतु पूरा अभी पैक है ये। तो ये चीज़ होती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आगे, बने रहें वीडियो पे। तो ज़्यादा लंबे बाल वालों में भी देखो, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये दोनों चीज़ें देखो, ये वाली भी हैं वाइट वाली भी, और ये वाली भी हैं देखो, ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये चिपक जाती हैं ये, तो ये सारी भरी पड़ी हैं। तो जिन पर ज़्यादा बाल हैं मेरी बकरियों पे, वो अक्सर ऐसी भरी हुई हैं। चलो बनते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। हम पहुंच गए हैं इधर नीचे, बकरियों का कुछों का सुरूर है उधर को, इनको करेंगे इधर को, कुछ बकरियां वो वहाँ ऊपर हैं, वो कुछों को भागने की हो रही है। कुछों को थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, और ऐसे गोली हो जाती है, ऐसे भागती हैं ये काखड़ की तरह। बकरियां वहां थी दोस्तों, इतनी स्पीड से कुछों ने एकदम रेत भरी, इस जगह पे से मैंने वापस करी है अभी। जिमी आगे इधर आओ, उधर दोस्तों कुत्ते रहते हैं तीन चार, तो इनकी फाइट ना हो इसलिए मैंने इधर बुला दिए हैं, क्योंकि कोई भी कुत्ता हो फाइट करता ही है, अगर अदरवाइज डॉग्स उसके टेरिटरी में या उसके एरिया में जाते हैं तो। इधर आओ, इधर आओ माइके, जिमी यहाँ बैठो, जल्दी आओ इधर बैठो, अच्छा ले 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 ले, इधर आओ चल, चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे आगे। थोड़ा उधर को करते हैं, दोस्तों हम आ गए हैं नीचे, और बकरियां चली गई हैं कुछ इधर। डॉग से एक वहां है और एक पेड़ के पास, वहां वहां से नीचे को देख रहा है, पता नहीं क्या देख रहा है वो, और कुछ अभी इधर हैं मेरे झाड़ियों के अंदर को है। तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर को करता है, ऐसे ऊपर 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 वो ऊपर को ले जाके आगे को ले जाते हैं आज थोड़ा धूप में, क्योंकि इधर को धूप धूप कम है, प्रॉपर धूप नहीं है ज़्यादा। ये देखो दोस्तों हमारा घर उन पेड़ों से भी, आपने देखा होगा उन पेड़ों से भी ऊपर है, और हमारे घर से अभी एक मुर्गी उड़ के आई है, ये देखो ये मुर्गी सीधे उड़ के आई नीचे को, और यहाँ इसने बकरियाँ मेरे को देखा तो ये रुक गई यहाँ पे, उन्हें नीचे को पता नहीं कहाँ तक जाती, इसको शायद किसी जानवर ने डराया, ऊपर कोई आया था
और हमारे कुत्ते पहचानते हैं हमारी मुर्गी है, तो कुछ नहीं कह रहे हैं, वरना अभी तक ये इसको पकड़ लेते, जंगली मुर्गी होती तो ये। अब इसको घर छोड़ के आना पड़ेगा। घर हमारा वो देखो दोस्तों, वो टिन शेड दिख रहा है, उसके ऊपर है हमारा घर, तो ऐसे सीधे उड़ते हुए आई, ये देखो। अला ले 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 ले। इसे एक मुर्गी के चक्कर में बकरियों को भी ले जाना पड़ रहा है, ये बकरियों के साथ ही साथ चल रही है, और ये हाथ नहीं आती दोस्तों, इससे हम कभी नहीं पकड़ते। वही सुबह बाहर खुल गए और शाम को अंधेरा हुआ, तो जहाँ इनको रखता हूँ मैं उसके अंदर चले जाते हैं, और मुर्गियों के साथ वहाँ की उड़ती काफ़ी हैं, ये जिस तरह से जंगली मुर्गियाँ उड़ती हैं उससे खूब उड़ती हैं, और थोड़ा थोड़ा करके ऊपर को जाती रहेगी, और थोड़ा थोड़ा उसको याद आ रही है रास्ते की, इसके चक्कर में सबको ऊपर आ, चल चल जाओ जाओ जा। तो समझदार बहुत होते हैं, परंतु ऊपर किसी चीज़ ने, कोई बिल्ली हिली या किसी ने इसको डराया होगा, तो चल जिमी इसको घर छोड़ के आओ। वो जब तक घर नहीं जाएगी जिमी उसके साथ ही लगा रहेगा, उसको छोड़ के आएगा। और आ जा आ जा, इसको छोड़ के आना पड़ता है। बकरियां वहाँ नीचे को उतर रही थी, तो इसलिए इनको थोड़ा ऊपर ले आया हूँ। आ जा आ आ आ आ। तो पहले इसको थोड़ा सा घर छोड़ के आते हैं। चलो 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 चलो। चलो 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 चलो, ये नीचे को चल लेगी, ऊपर को चलना है, नीचे से तो तेरे को ला रहे हैं। चलो ऊपर को चलो, ऊपर को ऊपर को ऊपर को ऊपर को, है बकरियों की शांति जाएगी। चलो ऊपर को चलो 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 चलो, यहाँ से ऊपर को चलो 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 चलो, बस इसको रास्ता मिल गया है, तो रास्ते आते जाएगी, इसको घर तक छोड़ के आता हूँ। चल फिर चल चल चलो 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 चलो। फिर अकेले को छोड़ने के लिए दोस्तों, वो खम्भे के पास है हमारा घर, और लगा लो यहाँ से इतनी इतनी उड़ान भर के ये पहुँच गई थी वो लास्ट वहाँ सूखे वाले पेड़ के पास, तो वहाँ से इसको अभी अभी इतना ला के ऊपर छोड़ दिया, यहाँ से चली जाएगी, इसको भगाऊंगा अभी मैं, चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो में आज के लिए इतना ही, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देश। सारे ये वही रहे चिपकने वाले, मतलब कितने मात्रा में हो रहे हैं, पूरे एरिया में यही थे, बाकी कट गए हैं पूरा एरिया, ये देखो इधर देखो, ये पूरे एरिया में यही है, ये आपको दिख रहे होंगे नज़दीक से दिखाता हूँ, ये पूरे यही हो रहे हैं पूरे एरिया में।